चले जी फाइनली यहाँ पे जो है ना, इधर का भी प्लास्टर हो गया है और उधर का भी प्लास्टर हो गया, अब डायरेक्ट कलर होगा। पता नहीं कितने दिन और लगेंगे, और वैसे ही ईद सर पर है, पता नहीं कब काम होगा। ये लो आ जाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ब्राउनी। थोड़ी सी आप ब्राउनी इतनी खाती नहीं है ना, इसलिए इसको कम ही देता हूँ, हल्का फुल्का मुँह मारती है। रैबिट्स हमारे सारे पहुँच गए, सबको खबर मिल गई अब, बल्कि ये बकरी इसको मारेगी, ब्राउनी मारेगी ना, इनको मैं इधर डाल देता हूँ, अलग से डाल देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। अब ये सारे रैबिट्स और यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ घास नज़र आ गई, अच्छा खोल रहा हूँ, आओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार आवाज़ इसलिए बैठ गई ना क्योंकि अभी जो है ना इधर की पूरी सफाई करके हटाऊँ, इस कदर यहाँ पे गंद हो रहा था ना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि काम हुआ है ना यहाँ पे, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्लास्टर हुआ है ना, तो इतना गंद था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, आप अंदाज़ा लगा लें, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप कितना गंद था यहाँ पे, इतना था ना मेरे को पूरा पूरा एक से डेढ़ घंटा लगा पूरा सेटअप की सफाई करने में। ऊपर से रोजा था और मेरे तो पसीने वसीने छूट गए। कोई बात नहीं, और एक बहुत खुशी की बात है यार, हमारी जो ये वाली मुर्गी है ना, ये अंडे देने लगी है यार, सच बता रहा हूँ मैं। इसने जो है ना अंडा दिया है, आज सुबह अंडा दिया, और दुख भी होगा आपको सुन के यार, पता है क्या हुआ, इसने अंडा दिया, अब्बू को मिला होगा ना, इसको हमने जहाँ बंद करा था ना, यहाँ पे मैंने इसको बंद करा था ना, तो यहाँ पे अंडा दिया, अब्बू ने इसको खोला और ये बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जो है ना, अब्बू ने अंडा उठाया और अब्बू खुशी खुशी दिखाने आ रहे थे कि भाई हमारी नई वाली मुर्गी ने अंडा दे दिया, और अंडा गिर के टूट गया। वो अंडा गिर के टूट गया भाई साहब, मतलब पहला अंडा दिया और इसका पहला अंडा ही जो है ना टूट गया। पता नहीं क्या हो गया यार, हमारी ब्लैक वाली जो मुर्गी है ना वो कहाँ गई यार, बादशाह और मलका हमारी कहाँ गई भाई, बादशाह बादशाह कहाँ हो, सामान इतना फैला हुआ है ना, बादशाह तो नीचे बैठा हुआ। और ये रही, ये देखें, इसने भी जब पहला अंडा दिया है ना, इसने यहाँ पे दिया था और वो भी टूट गया, और जो दूसरी वाली हमारी असील है ना, उसने भी अंडा दिया और वो अब्बू के हाथ से छूट के टूट गया। यार पता नहीं क्या हो गया, हम सोच रहे थे कि अंडे जमा करेंगे, बच्चे निकालेंगे, लेकिन इनके पहले पहले अंडों को नज़र लग गई। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि पहला अंडा टूट गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें ही डाल देता हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ, इसमें ही डाल देता हूँ, मैंने सोचा इसी में डाल देता हूँ ना, हमारी डक सुकून से खा लेंगी। आ जाओ रेबिट इधर आ जाओ, ये रहा, आ गया आ गया, आ जाओ, वो देखो पानी में रुका रहे हैं भाई, वो डक्स खाएंगी। लो भाई डक्स भी यहाँ आ गई, पता नहीं क्या हो गया इनको, वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, चलो वो वाली डक ही खा लेंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, तो हमारे एक्वेरियम का पानी जो है ना गर्म हो रहा है, देखें आप मैं उंगली डाला हूँ ना, ये इतना गर्म है कि जब हम सर्दियों में हीटर चलाते हैं ना एक्वेरियम के अंदर, उतना गर्म है, सर्दियों में हीटर चलाने के बाद इतना गर्म हो जाता है, और हमारी फिश जो है ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, गर्मी भी है पानी भी गर्म है, मैंने इसलिए सोचा है कि जना मैं इनका पानी जो है ना एक बाउल निकाल लेता हूँ और एक बाउल डाल देता हूँ, उससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, पानी गर्म हो रहा है, बस बहुत है इतना। अब हम इसके ऊपर जो है ना दूसरा साफ पानी डाल देते हैं, इसमें लबड़ के डाल देते हैं, ये अब इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, पहले से बेहतर है, चलो सही है। एक तो ये हमारे सब्सक्राइबर जो हमें चूजे देके गए ना, ये पता नहीं क्यों ट्रॉली के पास बैठे रहते हैं, अरे बाहर घूमो घूमो फिरोगे तो जान बनेगी ना, इधर घूमो फिरो, चलो घूमो, एक जगह डर के मारे कोने के अंदर घुस जाएंगे, बेला की तरह हरकत करते हैं, बेला जिसे अंदर घुस जाती है ना वैसे सेम टू सेम वैसे अंदर घुस जाते हैं। और हमारी डक्की के क्या हालात हैं भाई, डक्की भाई साहब कितना वेट करना पड़ेगा, और एक महीना वेट करना पड़ेगा, और वो वहाँ पे यार अंडा टूटा हुआ लग रहा है मेरे को, हाँ डक्की का भाई साहब एक अंडा और टूट गया। ये देख रहे हैं आप, एक पहले टूटा था और एक जो है ना अभी टूट गया है। अंडे दिखा ना मेरे को, कितने अंडे हैं, एक दो तीन, छह इसके अंडे थे, उसमें से जो है ना पांच बचे थे, और मुझे तो अभी चार ही नजर आ रहे हैं, एक अंडा और टूट गया, ये देख रहे हैं आप,
एक शेल और मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं इसके अंडे कैसे टूट रहे हैं। इसको तो फुल प्राइवेसी दी हुई है, ना इधर कोई आता है ना कोई जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना इसके अंडे टूट रहे हैं। चलें जी, बाकी चार अंडे तो हमने रख दिए यार, मैं तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार मुझे। अब हम चलते हैं बाहर। आज फिर जो है ना डकी का एक अंडा टूट गया यार, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्यों टूट रहे हैं उसके अंडे। देख रहे हैं आप, इतना मोटा इसका शेल होता है फिर भी ये टूट रहा है। देख रहे हैं आप कितना मोटा शेल है, वरना हमने डकी को भी ऐसे ही बिठाया था जैसे हमने पहले बिठाया था ना ये वाली डकी को, आप लोगों ने देखा होगा आज से 3-4 महीने पहले जब हमने डकी को बिठाया था तो उस पर कोई अंडा नहीं टूटा था, सिर्फ एक अंडा टूटा था वो भी चूहे ने तोड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा। और ये देखें अभी जो है ना इसके अंडे टूट रहे हैं, एक पहले टूटा 2-3 दिन पहले, एक अभी टूटा हुआ, पता नहीं ये खुद तोड़ लिए या फिर हो सकता है शायद इससे बैठने के दौरान टूट रहे हैं। और हमारे छोटे डोन की बेगम ने जो है ना आज भी अंडा दिया हुआ है। इन दोनों को पहले मैं बाहर निकालता हूँ फिर मैं अंडा उठाऊँगा, क्योंकि वरना उस पर हमला कर देगा। आओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ, मेरे को अंडा उठाना है। चलो आगे हो जाओ। ये बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह, ये देखें एक अंडा हमने पहले उठाया था, यहाँ रखा था मैंने शायद, तो ये तीनों ही उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, वरना यहीं पड़े रह जाएंगे। जो है ना हमारे पास छोटे डोन की बेगम के 3 अंडे आ चुके हैं हमारे पास, मतलब 2, एक ये रहा एक अंदर है और ये 2 तो जो है ना अशील के हैं। तो हम जो है ना उन भाई को दोबारा फ़ोन करके बुलाएंगे, उनको बोलेंगे यार आप अंडे आके ले जाएं, ताज़े अंडे हैं 2, हो सकता है इसके भी बच्चे निकल आए इनक्यूबेटर में। मैं अंदर अंडे रखने गया था ना तो मैंने बोला कोको, आवाज़ कर रहा था, मतलब कोको भी ज़रा बाहर की आवाज़ दिखा देते हैं, कोको को बाहर के नज़ारे करा देते हैं सही से हैं। और बेला तो अंदर सो रही है, बेला अंदर आराम से सो रही है, उसको सोने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ बिठाता हूँ, इधर आओ कोको, उतरो 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 उतरो, बोलो मेरे हाथ से ही नहीं उतर रहा, उतर जाओ कोको उतर जाओ। यार मैं अभी दाना डाल रहा था और इनका बच्चा उड़ गया, मैंने दाना डालने के लिए ये खोला ना कटोरी बाहर निकाली तो ये ऐसे खुला रह गया, वो यहाँ से निकला और यूँ उड़ गया यार, सीधा यहाँ पे गया। और उसने इतनी स्पीड मारी है ना, सीधा वो यहाँ से उड़ के यहाँ पे गया, वो नज़र भी नहीं आया कहाँ गया, एक बार नज़र आ जाए ना मैं जाके पकड़ लूँ यार। ये देखें ऐसा रह गया और जो ना मैं थोड़ा सा ही 2 मिनट हुआ ऐसे निकला, यहाँ से निकला ना और सीधा ऐसे गया है ना, और यूँ टर्न हुआ है, नज़र नहीं आया, नज़र आया था ना तो पता चल जाता कहाँ जाके बेटा, क्योंकि इतना ऊंचा फ्लाई नहीं कर सकते और पकड़ा जाता यार। काम होने की वजह से इतना सेटअप फैला हुआ है ना यार, बस मत पूछो आप। आए मुझे तो गम लग गया भाई कि डफ का बेबी मेरे हाथों से निकल गया, समझ में नहीं आया कितना मैंने कितना कोशिश करी ऐसे निकला है ना, सारा मूड ही ऑफ हो गया। इतनी मुश्किल से है कि बेबी था उसमें से भी जो ना वो उड़ गया, अभी 2 अंडे दिए मैं, पता नहीं यार अब क्या बनेगा डफ का यार। छोटी छोटी डफ थी, मैं सोच रहा था कि हमारे बट जमा हो जाएंगे ना जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हम इनके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा कुछ चीज़ बनाएंगे, लेकिन ये तो उड़े जा रहे हैं, पहले कबूतर उड़ गया और अब डफ उड़ गई। क्या है, मोबाइल है? पीछे क्या कर रहा है। इसने चूचू के ऊपर जो है ना अभी नाखून मारे भाई, एकदम रैबिट मारते नहीं, देख रहे हैं आप निशान पड़ गया यहाँ पे यार। दिखाओ ज़रा इधर आओ, ये तो वैसे ही भाई गिफ्ट टाइम है, इनको नहीं छेड़ा करो, बचत हो गई। इधर आओ दिखाओ यार नाखून कहीं लग वगा तो नहीं गया। बहुत बुरा नाखून मारा यार, पता नहीं यार। इधर आओ, बेचारा डर गया यार, अंदर घुस गया। इधर आओ, डरो नहीं। ये देखें आप ना, ओए ये देखें आप, पूरी खाल उतर गई है उसकी। रैबिट, इन्होंने हमला करते हैं ये, मतलब अटैक करते हैं रैबिट हमारे, लेकिन मतलब ऐसे डरा के पीछे हट जाते हैं। और हमारे छोटे वाले चूचू पे भी इन्होंने कितनी बार अटैक करा है, लेकिन ये ना उनके फिदर मतलब पर पूरे हैं ना तो उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन बेचारे के जो है ना लग गई यहाँ पे, इसके पर नहीं है ना तो इसके लग गई। मैं अभी जो है ना इसके पाउडर लगाता हूँ ज़ख्म वाला, ये देख रहे हैं आप कितना इसको जो है ना, असल में इसकी जिल्द बिल्कुल नाजुक है और उसने नाखून वगैरह ऐसे डराने के लिए भी मारे हैं ना तो वो इसके जिल्द में जाके लग गया। चलो भाई ये लग गया ना, इसको ऐसे ही छोड़ दें आप। अब इसको हम जो है ना बंद कर देते हैं अंदर, हाथ के हाथ जो है ना यहाँ पे बंद कर देते हैं, जाओ अंदर जाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी।
पहले हमारे हाथों से डफ का बेबी निकल के भाग गया और उसके बाद जो है ना रैबिट ने हमारे चूचू पे अटैक कर दिया। कोई हमारा बड़ा वाला रैबिट था जो ना ये बड़े साइज के हो गए ना, इनमें से कोई एक रैबिट था उसने हमारे चूचू के ऊपर अटैक कर दिया, उस बेचारे का बाजू जो है ना यहाँ से छिल गया। लेकिन मैंने उसको दवाई लगा दी, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।